Continue on Canal Expressway for 3 kilometers. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनोश इकबाल और आप देख रहे हैं दिनोशा टीवी। हम एक दफ़ा फिर से आपको लेके जा रहे हैं हुंजा, और इस वक्त हम मौजूद हैं सायां वाला फैसलाबाद इंटरचेंज के करीब। हमने अपना सफ़र उकाड़ा से स्टार्ट किया और अब हम जो है वो फैसलाबाद के रास्ते बालाकोट जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आज जो है वो हम अपना स्टे बालाकोट में करेंगे, और कल हमारा प्लान है कि हम चिलास में स्टे करें, और अगर हम देखेंगे कि अगर हम ट्रैवल कर सके हुंजा तक तो हम कल ही जो है वो हुंजा तक ट्रैवल करेंगे। यहाँ से तकरीबन हुंजा की ड्राइव जो है वो 16 घंटे की है, और अगर उकाड़ा से देखें तो ये तकरीबन 18 घंटे का सफ़र है। उकाड़ा से फैसलाबाद ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स है और तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव है, लेकिन आजकल चूँकि रोड के हालात कुछ ख़ास ठीक नहीं है, रोड जो है वो काफ़ी जगहों से जो है टूटी हुई है, तो इट टेक्स अराउंड 2 आवर्स। लेकिन फिर भी अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हैं तो आपको इस्लामाबाद के लिए उकाड़ा से फैसलाबाद वाला जो रूट है वही लेना पड़ेगा, बिकॉज़ लाहौर वाला जो रूट है वो थोड़ा सा लंबा है। लाइक पहले आप लाहौर जाएंगे एंड देन यू विल टेक मोटरवे, क्योंकि उकाड़ा से फैसलाबाद एंड देन फैसलाबाद से आप साइयां वाला और साइयां वाला से आप पिंडी भटियां, तो ये आपको अराउंड 3 आवर्स में आप पिंडी भटियां तक पहुंच जाएंगे, जबकि अगर आप लाहौर से आएँ पिंडी भटियां तो वो आपको तकरीबन 4 घंटे लगेंगे। तो इस तरह से आपका जो है वो 1 घंटा जो है वो ऑलमोस्ट सेव हो जाता है फैसलाबाद वाले रूट से। फैसलाबाद से आगे जो है वो थ्रू आउट आपको फिर मोटरवे मिलेगी। ये भी हम बिल्कुल साइयां वाला के इंटरचेंज के पास पहुंच गए हैं। इसके साथ ही जो है ये साथ इंडस्ट्रियल एरिया चल रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे बड़े कंटेनर्स भी जो है वो खासी तादाद में नज़र आएंगे, और बिल्कुल जो है अब हम साइयां वाला के करीब पहुँच चुके हैं। फैसलाबाद ऑनवर्ड्स आपको कम्प्लीटली जो है वो रोड इसी तरह से कारपेटेड मिलेगी, स्मूथली ड्राइव आपको मानसेरा तक जो है वो मिलेगी। फिर मानसेरा से जो है वो आप बालाकोट आएंगे, वो सारा जो है वो पहाड़ी इलाका है, वहाँ से पहाड़ी इलाका जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये फैसलाबाद साइयां वाला इंटरचेंज है, और हमारी गाड़ी पर चूँकि एमटैग लगा हुआ है तो हमें आई थिंक जो है वो यहाँ रुकना नहीं पड़ेगा। ये अब हम मेन पे आ चुके हैं, और फर्स्ट जो मिनी सर्विस एरिया है इट्स आफ्टर 1 किलोमीटर, और यहाँ से तकरीबन हमें आधा घंटा लगेगा पिंडी भटियां तक, और फिर हम जो है वो मेन मोटरवे पे आ जाएंगे। फैसलाबाद से पिंडी भटियां तक 2 लेन मोटरवे है, एंड देन पिंडी भटियां ऑनवर्ड्स जो है वो फिर 3 लेन हो जाती है। पहला सर्विस एरिया तो आ चुका है, लेकिन यहाँ पे आपको बताते चलें कि यहाँ के जो सर्विस एरियाज़ हैं ये ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। लाइक यहाँ पे आपको फ्यूल मिल जाएगा, यहाँ पे आपको एटीएम मिल जाएगी, यहाँ पे आपको मस्जिद मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा फास्ट फूड और इस तरह की चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि अभी इतने ज़्यादा जो है वो डेवलप। हम मेन मोटरवे पे जो है वो इस वक्त पहुंच चुके हैं। अब आप देख रहे हैं कि आपको 3 लेन मोटरवे नज़र आ रही होगी, और पिंडी भटियां के हम जो है वो करीब इस वक्त मौजूद हैं। शाम हो रही है, आसमान जो है वो काफ़ी खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है, बहुत ही खूबसूरत शाम का मंजर ये। Continue on Lahore Islamabad motorway for 227 kilometers. यहाँ से इस्लामाबाद तक का जो रास्ता है वो तकरीबन 2 घंटे 50 मिनट का रास्ता है, और उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमें बालाकोट तक जो है वो यहाँ से कितनी देर लगेगी। Continue on Asian Highway 1 for 263 kilometers. जी, तो यहाँ से हमें इस्लामाबाद तक जो है वो तकरीबन 2 घंटे 50 मिनट, और बालाकोट तक अगर हम देखें तो तकरीबन जो है वो 5.5 घंटे 5 घंटे 25 मिनट जो है हमें यहाँ से लगेंगे।
वक्त जो है वो मानसेहरा तक मोटरवे मौजूद नहीं थी, क्योंकि अब जो है आप मानसेहरा जाके जो है वो मोटरवे से उतरेंगे। तो जब मोटरवे मौजूद नहीं थी उस वक्त हमें एबटाबाद के लिए उतरना पड़ता था, और एबटाबाद की बिल्कुल जो है वो सिंगल रोड पे आपको ट्रेवल करना पड़ता था मानसेहरा तक, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था। और फिर मानसेहरा से बालाकोट एंड देन बालाकोट से फिर जो है वो आप आगे ऑनवर्ड्स अपना जर्नी जो है वो स्टार्ट करते थे। लेकिन जब से जो है ये मानसेहरा तक मोटरवे कंप्लीट हुई है, रास्ता जो है वो काफ़ी शॉर्ट हो गया है और बालाकोट तक जो है वो टाइम काफ़ी कम लगता है। हम इस्लामाबाद जो है वो पहुंच चुके हैं और आ चुके, संडे का दिन है और ईद के फौरन बाद वाला जो संडे है, इस वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त रश है। और एटलीस्ट एक एक बूथ के ऊपर जो है वो 20 से 25 गाड़ियां जो है वो मौजूद हैं। तो अभी आई थिंक इधर हमें 15 से 20 मिनट तो एटलीस्ट लग जाएंगे। Continue on Asian Highway 1 for 134 kilometers. हमें इस्लामाबाद टोल प्लाजा से अब तकरीबन मज़ीद 3 घंटे लगेंगे बालाकोट तक, और इस वक्त ऑलमोस्ट जो है वो 10 बज चुके हैं और हम रात के तकरीबन 1 बजे जो है वो बालाकोट पहुँचेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि जाने वाली तरफ जो है बिल्कुल कम रश है, कोई 2-3-4 गाड़ियाँ आपको जो है वो मुश्किल नज़र आएंगी, लेकिन अगर आप आने वाली तरफ देखें वापस आने वालों की तादाद जो है उससे कई गुना ज़्यादा है। तो पीछे अभी हम देख रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो वापस आ रही थी, क्योंकि ईद के बाद मैंने पहले भी बताया ये फर्स्ट वीकेंड है और लोग जो है काफ़ी तादाद में जो है वो नॉर्दर्न साइड पे गए हुए थे, और अब जो है वो काफ़ी सारे लोग जो है वो वापस आ रहे हैं। जी अच्छा, तो गाइस इस वक्त रात के 12:30 हो चुके हैं, 12:40 और हम अपने होटल में चेक इन कर चुके हैं। बालाकोट हम पहुंच गए हैं। इधर इस होटल में स्वीट रूम्स हैं, ये इन्होंने कुछ बच्चों के लिए इंतज़ाम किया हुआ है। अगर आपके साथ 2 बच्चे हैं और बड़े हैं, ये बड़ों के लिए एक रूम है। इसके अलावा इधर डीलक्स रूम्स जो हैं, ये वाला जो रूम है ये हमारा है, और ये इसके अलावा 2-3 डीलक्स रूम यहाँ पे और भी मौजूद हैं। बड़ा ही अच्छा जो है ये होटल है, रिवर साइड पे है, और अभी मैं रिवर साइड पे जा रहा हूँ। इस साइड पे रिवर की आवाज़ तो आ रही है, लेकिन इस साइड से रिवर का व्यू नहीं आ रहा, तो मुझे रिवर पे जाने के लिए थोड़ा सा जो है वो और बाहर निकलना पड़ेगा। रिवर साइड के लिए जो है मुझे थोड़ा सा जो है वो यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। अभी जो ये पोर्शन है होटल का, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये कुछ नए स्वीट्स जो है वो यहाँ पे बना रहे हैं। ये भी जैसे जो आप देख रहे हैं रूम है एक, लेकिन अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त जो है वो रूम बनेगा, बिकॉज़ ये बिल्कुल जो है वो रिवर साइड पे आएगा ये वाला रूम। और ये हम रिवर साइड पर आ चुके हैं, पानी का बहाव बहुत तेज़। ये ब्रिज जो है नारान जाने के लिए यूज़ होता है। इस साइड से जो ट्रैफिक है वो नारान की तरफ हो जाती है, और ये बालाकोट सिटी की तरफ जा रहा है। ये जो एरिया है ये बालाकोट सिटी है, ये सारी ये जो लाइट्स भी नज़र आ रही है सारी बालाकोट सिटी नज़र आ रही है। नीचे कुछ और होटल भी मौजूद हैं, हम ज़रा टॉप पे हैं, सामने भी कुछ होटल्स जो हैं वो मौजूद हैं। इधर बाज़ार में आपको यहाँ बाज़ार में जो है वो आपको कुछ बैंक्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, अगर आप कोई एटीएम यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए। यहाँ पे मिज़ान बैंक मौजूद है, एचवीएल मौजूद है, और कुछ और बैंक्स भी जो है मौजूद हैं।
उसके अलावा कुछ ग्रोसरी स्टोर्स मौजूद हैं और उसके अलावा जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की काफ़ी सारी शॉप्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। दो पेट्रोल पंप्स जो हैं वो यहाँ पे बालाकोट सिटी के अंदर मौजूद हैं, बालाकोट सिटी के बाहर भी काफ़ी सारे जो हैं पेट्रोल पंप्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स इसके गिर्दोनवा, क्योंकि बालाकोट काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं ये अवेलेबल हैं। मिलते हैं अगली कल एक नई वीडियो के साथ, नारायण जाते हुए एक नई वीडियो बनाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।